नमस्कार साथियों, आप सभी कैसे हो? आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आशीष चेगन्ना में। और मैं आशीष चेगन्ना आपके लिए कोर्स लेके आया था। प्लस टू की सीरीज स्टार्ट हो रही थी आपके पास, वो आपके पास यूनिट नंबर फर्स्ट चल रही थी इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो उसका इम्पोर्टेंट टॉपिक आज होने जा रहा है। उसका नाम आपके पास है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बताएंगे, और उसके आपके पास न्यूमेरिकल के पोर्शन कैसे हैं उन सभी के बारे में आपके पास आज चर्चा होगी आपके यहाँ पे। अब बात करते हैं आपके पास, अभी तक जो जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब आपके पास बात होती है सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, उसके मीनिंग को समझते हैं सबसे पहले। बच्चों, जब भी हम क्या करते हैं, कोई भी जैसे आपके पास ऑब्जेक्ट है, यदि हम उसको किस में रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो ऑब्जेक्ट से जो पास होने वाली क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, वो आपके पास कितनी पास हो रही है वो क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाती है। और बच्चों, इसकी नोटेशन क्या होती है, इसकी नोटेशन होती है फाई नोटेशन होती है। तो इसका मतलब क्या समझे आप, जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से आप क्या दर्शा रहे हो, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास, कोई ऑब्जेक्ट आपके पास, वो आपके पास किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या क्या हुआ है, रखा हुआ है, तो आपके पास उस ऑब्जेक्ट से जो आपके पास पास होने वाले जो लाइन है, वो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड वाली लाइन है, वो क्या कहलाती है, आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। तो बात कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो बच्चों, डेफिनेशन है इसकी, द टोटल नंबर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के कितने नंबर है आपके पास लाइन पासिंग थ्रू, नॉर्मली नॉर्मली भी कह सकते हो, और आपके पास नॉर्मली का दूसरा क्या नाम होता है, परपेंडिकुलर। थ्रो एन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो लाइन आपके पास क्या होती है, परपेंडिकुलर भी हो सकती है, और आपके पास परपेंडिकुलर दूसरा क्या नाम है, नॉर्मली रिलेटेड टू दैट एरिया, तो आपके पास इतना एरिया आपके पास है उस एरिया के ऊपर। द टोटल नंबर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग नॉर्मली थ्रो एन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात आती है। अब बात कर लेते हैं आपके पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो किस किस के ऊपर डिपेंड करता है। तो पहली कंडीशन आपके पास आती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड पे। कैसे, जैसे आपके पास ये डायग्राम आपके पास है, यहाँ पे आपके पास कोई गिवन एरिया है, गिवन एरिया है, इसके अंदर से हम गुजार रहे हैं आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। जितनी आपने इस एरिया के अंदर से गुजारी, तो आपके पास जितना बढ़ेगा आपके पास फ्लक्स की वैल्यू, उतनी ही आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी, और जितनी आपके पास ये वैल्यू कम होगी, उतनी ही आपके पास ये वाली वैल्यू कम होगी। तो आपके पास ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, फर्स्ट कंडीशन है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करता है। सेकंड कंडीशन आपके पास आती है, ये आपके पास एरिया के ऊपर भी डिपेंड करता है, एरिया के ऊपर। कैसे, जैसे डायग्राम मैंने ड्रा कर रखे हैं, दो एरिया आपके पास, ए वन एरिया छोटा है, ए टू एरिया आपके पास बड़ा है। अब यहां से आपको गिवन हो रहा है, जितना आपके पास बड़ा एरिया होगा उतना ही आपके पास क्या होगा, जो आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू है उतनी ज्यादा होगी। देखो, यहाँ से छोटे एरिया के अंदर से आपके पास दो निकल लिए लाइन, और बड़े एरिया के अंदर से आपके पास चार लाइन निकल लिया आपके पास। तो यहाँ से आपके पास क्या साबित हो रहा है, यहाँ से आपके पास शो हो रहा है, आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक जो आपके पास फ्लक्स है वो आपके पास एरिया के भी क्या करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड करता है। थर्ड बात आती है आपके पास, ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पास एंगल के भी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और यहाँ पे एंगल आपके पास कोस थीटा होता है। बच्चों, अब बात कर लें, यदि हम इक्वेशन एक दो और तीन को कंबाइन कर लें, तो कंबाइनिंग इक्वेशन 1, 2 और 3 को यदि हमने कंबाइन कर ली, लेफ्ट हैंड साइड तो आपके पास फाई है, यहां से ए, यहां से ए, यहां से कोस थीटा, इनको लिख दिया, तो आपके पास क्या हुई, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो वैल्यू, यदि हम इसकी वैल्यू को हटाएं, आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निशान को हटाएं, तो आपके पास कोई कांस्टेंट संख्या आएगी, और कांस्टेंट संख्या को हमने मान लिया यूनिटी, मतलब है 1 के बराबर मान लिया, तो बराबर मान लिया 1 के, तो 1 रखेंगे तो आपके पास ये संख्या होगी। अब मैंने बताया था कि जहां पे आपके पास कोस थीटा होता है वहां पे हमेशा डॉट प्रोडक्ट होती है, और जहां पे साइन थीटा है वहां पे क्रॉस प्रोडक्ट होगी। तो यहाँ पे बच्चों आ रहा है फाई इज इक्वल टू ए ए कोस ऑफ थीटा, तो आपके पास इसको कैसे लिख सकते हैं, आपके पास है ए इंटू में ए, यहाँ पे इसके क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है आपके पास,
ये था आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। अब हम इसके नए सेक्शन है आपके पास, इसका नया सेक्शन आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स के न्यूमेरिकल की चर्चा करेंगे अभी। तो दोस्तों इससे आगे हम करते हैं इसका न्यूमेरिकल पोर्शन आपके पास। तो न्यूमेरिकल पोर्शन की आपके पास स्टेटमेंट आपके स्क्रीन के ऊपर है, तो स्क्रीन के ऊपर मैं आपके पास रीड कर रहा हूं। तो आपके पास दे रखी है ए चार्ज, कोई चार्ज है क्यू इज प्लेस एट ए सेंटर ऑफ ए क्यूब, क्यूब के सेंटर के ऊपर रखा गया है और उसके जो सारे साइड हैं उसकी लेंथ आपके पास एल है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपने पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पास पासिंग हो रहा है थ्रू द फेस ऑफ द क्यूब, क्यूब के फेस के ऊपर हो रहा है। तो सबसे पहले आप इसमें ड्रा करें, क्यूब ड्रा करें। तो मैं यहाँ पे क्यूब ड्रा कर रहा हूं आपके पास। मैंने ड्रा कर लिया, कोई क्यूब ड्रा कर लिया। यहाँ पे क्या क्या कंडीशन दे रखी है, जो कंडीशन दे रखी है उसी के अनुसार चलते हैं आपके पास। आपको एक चार्ज आपके पास क्या है उसको रखा गया है सेंटर के ऊपर क्या। प्रत्येक जो साइड आपके पास क्यूब की दे रखी है वो दे रखी है एल, ये भी एल, ये भी आपके पास एल, और ये भी आपके पास एल, और ये भी आपके पास एल, और ये भी आपके पास है एल। कितनी है, 1 2 3 4 5 6। अब बात करते हैं इसके अंदर आपके पास क्या होता है। तो आपके पास आपने निकालना है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द फेस ऑफ द क्यूब। प्रत्येक जो फेस से आपके पास, आप जानते हैं फ्लक्स जो आपके पास होता है वो क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ये आप जानते हैं। अब बात करते हैं इससे आगे आपके पास आपने निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द आपके पास प्रत्येक जो फेस से आपके पास क्या हो रहा है। उसको मैंने मान लिया फाइव डैश से मान लिया। फेस जैसे आपके पास कितने हैं, ये आपके पास एक नीचे वाले साइड है 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए आपके पास, 6 हो गए। इसको मैं 1/6 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। आपके पास बच्चों आंसर क्या हो गया, आपके पास क्या निकालना था, प्रत्येक फेस का ही निकालना था। तो आपके पास फेस कितने हैं, 6 फेस है, तो 1/6 आपके पास ये तो एज इट इज है ही, क्या हो भाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसका आपके पास न्यूमेरिकल का आंसर आपके पास ये होगा। अब बात कर लेते हैं सेम उसी प्रकार ए पॉइंट ऑफ ए चार्ज, यदि आपके पास आपकी बार रखा गया है कोई चार्ज आपके पास ऑफ 2 माइक्रो कूलम का, तो उसके आपके पास कैसे होगा, तो उसका और देख लें। सेम उसी प्रकार इसमें तो आपके पास था, इसमें ऊपर वाले में दे रखा था क्या हो, अरे अब की बार दे रखा है आपके पास 2 माइक्रो कूलम का दे रखा है, तो इसकी वैल्यू दे रखी है क्या होगी, अब की बार है 2 माइक्रो कूलम दे रखा है। और आपके पास एज है वो आपके पास दे रखी है 19 सेंटीमीटर दे रखी। प्रत्येक जो आपके पास लेंथ दे रखी है, लेंथ की वैल्यू आपके पास है 90 सेंटीमीटर, सभी कितनी है 90 सेंटीमीटर है। तो आपने निकालना है नेट, मतलब आपके पास नेट कितना होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस, सरफेस के अलोंग। तो हम इसका सोल्यूशन ही कर रहे हैं, ये तो इसका डायग्राम है। अब बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपके पास, अब बात करते हैं फाई आपके पास क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ये हम जानते हैं। तो आपके पास एज वी नो, अब आपके पास क्या क्या दे रखा है, आपके पास दे रखा है 2 माइक्रो कूलम का चार्ज है और आपके पास कितना है, आपके पास 19 सेंटीमीटर, आपके पास 90 सेंटीमीटर प्रत्येक आपके पास क्या दे रखी है, भुजा दे रखी है। तो भुजा का कोई रोल नहीं है। इसकी वैल्यू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 8.85 × 10⁻¹² होती है।
आप बात कर लें इसको और सोल्व करें तो आपके पास 2 इंटू में माइक्रो की जगह आपके पास लगता है 10 इंटू पावर 6, और आपके पास आवर में 8.85 इंटू 10 रेट पावर -12। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, देखो ये वाइट टर्म आपके पास 2/8.85 इंटू 10 रेट पावर -6, और ये आपके पास ऊपर गया तो आपके पास कितना हो गया, 10 रेट पावर 12 हो गया। अब बात आई आपके पास 8.85 इंटू 10 रेट पावर, आपके पास कितनी होगी, यहाँ से 12 प्लस का है 6, आपके पास -6 आपके पास हो गया। अब आप इसको और सोल्व करें तो आपके पास कितना हो गया, 2/8888, और बटे में आप 100 लिखोगे आपके पास ऊपर जाएगा, तो ऊपर आपके पास 100 गया, आपके पास 6 हो गया। अब आप इसको और सोल्व करें तो आपके पास कैसे आएगा, 2/8855 इंटू 10 रेट पावर, यहां से 6 है यहां से 2 है, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और आप जब इसको सोल्व करेंगे वो आपके पास न्यूटन पर कूलम में आपके पास इसकी यूनिट हो जाएगी, फ्लक्स की न्यूटन पर कूलम आपके पास, तो आपके पास जितना रिजल्ट आएगा कैलकुलेशन करके वो आपके पास इसका रिजल्ट होगा न्यूटन पर कूलम के अंदर। आपके पास ये थे आज के लिए, आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड आपके पास कॉन्सेप्ट था, उसके न्यूमेरिकल भी आपके पास थे। आपके पास आशा है ये आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये पसंद आया हमारी वीडियो तो अपने दोस्तों साथ ज्यादा ज्यादा मात्रा में लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, ऐसी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे।